अजमेर दरगाह थाना पुलिस को मिली सफलता, 20 लाख का बेशकीमती हार चोरी करने वाले महाराष्ट्र की महिला चोर को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी से पुलिस को मिली मदद। अजमेर पुलिस ने दरगाह आस्थाने के अंदर जियारत के दौरान 20 लाख के हार चोरी मामले में महाराष्ट्र की महिला चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला आरोपी से जायरीन का बेशकीमती हार भी बरामद कर लिया है। पुलिस महिला आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। अजमेर एसपी विकास शर्मा ने मामले का खुलासा करते बताया कि 9 मई 2022 को दिल्ली डिफेंस कॉलोनी निवासी जायरीन नसरीन कुरैशी पत्नी मोइन कुरैशी के प्रतिनिधि सैयद मोहम्मद नासिफ उर्फ रौनक ने दरगाह थाने में शिकायत देकर बताया कि दरगाह के अंदर आस्थाने में जियारत के दौरान उसके मेहमान का हैंडबैग में रखा 20 लाख का बेशकीमती हार चोरी हो गया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया और कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं अजमेर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि घटना के बाद गठित टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दरगाह में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। पुलिस को पता चला कि वह महाराष्ट्र की जिला अमरावती की रहने वाली है। एसपी शर्मा ने बताया कि टीम को महाराष्ट्र जिले के अमरावती भेजा गया, जहां से पुलिस ने लोकल पुलिस की मदद से आरोपी महिला समीना परवीन को गिरफ्तार किया है। देखिए, एक जायरीन आई थी लेडी, उनके पर्स से 20 लाख रुपए के गहने पर्स के साथ चुराने का मामला सामने आया था और बहुत इमोशनल उनका कनेक्ट था इसके साथ, और इसके लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी। बेसिकली जो वारदात करने के बाद व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना और उनके पीछे कहाँ गई हैं उसको आइडेंटिफाई करके लेना एक बड़ा चैलेंज था। तो उसमें सीसीटीवी कैमरों की हेल्प से लेडी को आइडेंटिफाई किया गया और अमरावती महाराष्ट्र में उनका जाना सामने आया। वो टीम ने अपने इंटेलिजेंस से गैदर किया और फिर वहाँ अमरावती में वहाँ के कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब और वहाँ के एसएचओस की मदद से उनको दस्तयाब किया गया और इस वारदात में जो गहने गए थे, पर्स गया था, उन सभी को कम्प्लीटली रिकवर किया गया है। पन्ना जड़ित ये एक आभूषण है तो मार्केट वैल्यू अच्छी है इसकी और एक इमोशनल जुड़ाव होने के कारण भी इसको जल्दी किया गया है। तो इस टीम में विशेष भूमिका रही है। इसमें समीना नाम की एक महिला है जिनको किया गया है और अभी उनका ही इन्वॉल्वमेंट सामने आया है और बाकी अगर कोई आएगा तो हम इस केस में आगे भी प्रोसीड करेंगे। इनके क्राइम रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है, पर चूंकि बाहर से आगे इस तरह की वारदात की है तो जरूर पहले भी इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, हो सकता है यहाँ नहीं तो किसी और जगह इन्होंने वारदात की। पर दरगाह क्षेत्र में इस तरह की वारदातें अब सामने आ रही हैं जिसमें पुलिस अपनी कोशिश कर रही है, मोबाइल फोन्स की रिकवरी हो, गहनों की रिकवरी हो या इस टाइप की चीज़ें हो कर रही है। इस टीम में इसके पास से मिले हैं, क्या ये बेचने के ट्रैक में थी या डेफिनेटली इनको बेच के इनको खंडित भी करके, मतलब अलग अलग, क्योंकि इनमें अलग अलग आभूषणों में अलग अलग जो ऑर्नामेंट्स, उनकी अपनी अपनी वैल्यू है, तो अलग से इनको बेचने की भी कोशिश की जा रही थी। इस टीम में दलबीर ने और उमाराम और विशेष रूप से लक्ष्मण कांस्टेबल धर्मेंद्र और प्रेमाराम, इन सबका अच्छा रोल रहा है और इस टीम ने इस घटना के होने के आई थिंक 9 तारीख को शायद घटना हुई और 10 दिन के अंदर अंदर इसका वारदात का खुलासा किया है।